वेलकम टू TATN अकेडमी। आज है 1 मई, 1 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस सरकार ने प्रदेश में 2 CIIT बनाने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में प्रदेश में 2 CIIT बनाने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इक्वेशन एंड ट्रेनिंग यानी CIIT के 2 केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा 360 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन 300 करोड़ है। कोर्स इसमें 18 कोर्स होंगे और सीट्स टोटल 1825। हाल ही में इंटरनेशनल जज दिवस कब मनाया गया है, तो इंटरनेशनल जज दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन सी। जैज एक संगीत शैली है जिसकी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू ऑरलियंस के अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों में हुई थी। इसे 2011 में स्टार्ट किया गया था। इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका फॉर्मेशन 4 नवंबर 1946 में हुआ था। इसके जो हेड हैं वो ऑड्रे अजौले हैं। इसमें हाल ही में किसने अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टेलाइजर बनाया है, DRDO एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टेलाइजर बनाया है। इस मशीन के जरिए 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोरोना वायरस को ख़त्म करने का दावा किया गया है। जिस सामान को स्टेलाइज करना है उसके साइज के हिसाब से 30 सेकंड से करीब 1 मिनट तक इसके सामने रखने से वायरस को मारा जा सकता है। इसके लिए अतुल्य को किसी भी सोफे, कुर्सी या मेज इत्यादि पर 1 मिनट के लिए घुमाना है और COVID-19 के कीटाणु मर जाएंगे। हाल ही में DRDO की अहमनगर स्थित लैब ने एक सैनिटाइजेशन एनक्लोजर टनल तैयार की थी। इस टनल के जरिए ऑफिस, हॉस्पिटल या फिर किसी अपार्टमेंट के इसी अपार्टमेंट के एंट्री पॉइंट पर लगाने से आने जाने वालों के ऊपरी शरीर को सैनिटाइज किया जा सकता है। हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक पर लागू प्रतिबंध 6 मंथ और बढ़ा दिया है। RBI ने द नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगे प्रतिबंध को 6 महीने और बढ़ा दिया है। बैंक ना तो कोई कर्ज देने और पुराने कर्ज का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई है। केंद्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए निर्देश बैंक पर और 6 मार्च 30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेंगे। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। आयुष्मान भारत दिवस हाल ही में 30 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन बी। आयुष्मान भारत योजना है क्या। आयुष्मान भारत योजना किफायती चिकित्सा मुहैया कराने के लिए है। इसमें हर पर फैमिली 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसे PM जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में COVID-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट dailyfightscorona.in नामक वेबसाइट लॉन्च किया है। इसमें COVID-19 से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। हाल ही में दिल्ली ने 5T प्लान जारी किया। हाल ही में दिल्ली ने 5T प्लान जारी किया था। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग और एक सील्ड ऑपरेशन भी शुरू किया था। सील्ड एस सीलिंग ऑफ एरिया, एच होम क्वारंटाइन, आई आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी डोर टू डोर सर्वे। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आई का फुल फॉर्म, ई का फुल फॉर्म, एल का फुल फॉर्म, डी का फुल फॉर्म। हाल ही में USA के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, जे अरुण कुमार। ऑप्शन बी, जे अरुण कुमार को हाल ही में USA के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जीवन अमृत योजना शुरू की है। ये जीवन अमृत योजना क्या है, इसमें लोगों के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक चूर्ण विकसित किया गया है, जिसे आयुष मंत्रालय के द्वारा एक त्रिकूट चूर्ण विकसित किया गया है। ये 50 ग्राम्स के पैकेट में है। इनमें पीपल, अदरक और काली मिर्च का मिक्स है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना स्टार्ट किया था। जीवन शक्ति योजना क्या था, जीवन शक्ति योजना में हर शहरी क्षेत्र के महिलाओं को 200 मास्क बनाने का टास्क दिया गया था, जिसमें पर मास्क की कीमत 11 रुपये थी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने CM COVID-19 योद्धा कल्याण योजना भी गूगल के साथ मिलकर शुरू किया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा
प्रोवाइड किया गया था। हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है, मैं कौन थे? तो माइकल रॉबिन्सन एक फेमस फुटबॉलर थे, ये इंग्लैंड के एक फेमस फुटबॉलर थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? सो गुजरात सरकार ने हाल ही में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है। योजना के तहत आंगनवाड़ी महिलाएं बच्चों तक पहुंचेंगी। गुजरात सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में महाराष्ट्र है। हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने पुलिस को टेजर गन दिया था। ये टेजर गन क्या है? टेजर गन एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है। हाल ही में गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया था। ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत जितने भी नदी नाले हैं उन साफ करने का अभियान शुरू किया गया था। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात के कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के जो CM है विजय रूपाणी और जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में किसने एक्सेस टू COVID-19 टूल एक्सेलरेटर नामक नई पहल शुरू की है? G20 ने हाल ही में एक्सेस टू COVID-19 टूल एक्सेलरेटर नामक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत COVID-19 के वैक्सीन को जल्द से जल्द बनाया जाए और कम से कम खर्च में बनाया जाए और जल्द से जल्द इसे दुनिया के सभी देशों में पहुंचाया जाए ताकि COVID-19 पे कंट्रोल किया जा सके। इस बार का G20 समिट सऊदी अरेबिया में होगा और G20 समिट का वर्चुअल बैठक भी हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? सो त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। नेबरहुड क्लासेस के तहत हर टीचर 5 बच्चों को पढ़ाएगा। अगर बात करें त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला, यहाँ के जो CM है बिप्लब कुमार देव और जो गवर्नर हैं रमेश बैस्य हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी एस त्रिमूर्ति को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। टी एस त्रिमूर्ति 1985 बैच के IFS अधिकारी थे। बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। 24 अक्टूबर को ही UN दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसके जो हेड है एंटोनियो गुटेरस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल सरकार ने हाल ही में बड़े पैमाने पर बंजर भूमि कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। केरल सरकार के पास लगभग 1,80,000 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि है, उस पर फल सब्जी अनाज वगैरह उगाकर इकोनॉमी लॉस की भरपाई करेगी। जो COVID-19 में इकोनॉमी लॉस हुआ है उसकी भरपाई करेगी। हाल ही में केरल सरकार ने एक तिरंगा पहल भी शुरू किया था। इस तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की गई थी। किस राज्य सरकार ने COVID-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने हाल ही में COVID-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इस टूर्नामेंट में इंडिया के सभी शतरंज खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी फीस 50 रुपये है। इससे जो कलेक्शन होगा वो COVID-19 राहत कोष के लिए जुटाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने कुछ और योजनाएं लॉन्च की थी। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया था। अपत मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया था। हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ADB ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? ADB ने महाराष्ट्र सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए $345 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। बात करें एडीबी की, तो एडीबी 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके जो प्रेजेंट हेड हैं वो मतासु असुकावा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 का युद्धाभ्यास रद्द किया था? ये कल के क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास रद्द कर दिया है कोविड-19 वायरस की वजह से। आज का होमवर्क, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी ने शपथ ली है? BP धर्माधिकारी, B दीपांकर मित्तल, C N नागेश्वरन, D इनमें से कोई नहीं।
आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पीडीएफ और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। डेली इसी तरह के करंट अफेयर्स हम जीएस जीके एंड शॉर्ट ट्रिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए T18 अकेडमी को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड